हेलो एवरीवन, आज मैं एक आइस कैंडी बनाने जा रही हूँ जो वाटरमेलन से बनी हुई है। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी। जो बच्चे वाटरमेलन खाना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें हम इस तरीके से वाटरमेलन खिला सकते हैं। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। ढाई सौ ग्राम वाटरमेलन, शुगर, काली मिर्च पाउडर, लेमन जूस, काला नमक पाउडर। वाटरमेलन को छोटे छोटे पीस करके मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। अब इसमें दो चम्मच शक्कर, बहुत थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, दो चम्मच लेमन जूस, और 1/4 चम्मच काला नमक। इन सबको डालकर अब उसको अच्छे से ग्राइंडर में चला लेंगे। अच्छे से पिस जाने के बाद यह जूस फॉर्म में आ गया है। अब इसको छलनी से छान लेंगे। ये एकदम रेडी है। अब मैंने यहाँ पर छोटे छोटे कॉफी कप्स लिए हैं। आप चाहे तो कुल्फी मोल्ड में डालकर भी इसको जमा सकते हैं। इन कॉफी मग्स में ये वाटरमेलन जूस डाल देंगे। अब इसको एक घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। एक घंटा हो चुका है, यह हल्का हल्का जमना शुरू हो गया है। इसमें हम लकड़ी की स्टिक्स डाल देंगे। और फिर से फ्रीजर में 4 से 5 घंटे के लिए अच्छे से जमने के लिए रख देंगे। अब यह हमारा आइस कैंडी एकदम रेडी है। इसको नाइफ की हेल्प से साइड से हल्का निकाल देंगे। ये देखिए, आइस कैंडी एकदम रेडी है। यह देखने में बहुत ही सुंदर भी लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह की आइस कैंडी बच्चों को बहुत पसंद आती है।